हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिन्स मास्टर मील्स। और आज बनाते हैं ये सेफू की भाजी। ये सेफू भाजी है, बहुत अच्छी भाजी है। ये हर जगह नहीं मिलती है, तो जहाँ भी मिलती है आप लेके बनाओ। ये बहुत हेल्दी होती है भाजी, इसका जूस भी बनता है। तो आप देख सकते हैं कितना फ्रेश है ये भाजी, बहुत फ्रेश है। देखो ये बहुत मस्त भाजी है, तो ये खाना चाहिए। बहुत हेल्दी है, बहुत अपने बॉडी के लिए बहुत अच्छा है ये। अगर आप इसका रोज़ जूस भी पीती हो तो बहुत फ़ायदा करता है ये। तो आज बनाते हैं ये भाजी। और इसके लिए लगेगा ये 4-5 कांदे, और ये थोड़ी हरी मिर्च, और ये 4-5 लहसुन, और लगेगा तेल, नमक, और अपना थोड़ा सा सिंगदानी का पाउडर। तो आइए अब इसको साफ़ करते हैं। इसको साफ़ भी ऐसे करते हैं, बहुत ज़्यादा निकालते नहीं इसका। ये देखो ऐसे किया और फिर ऐसे किया, ये सब फेंकने का नहीं है। तो ऐसे आप साफ़ करो। ये देखो ये बहुत मस्त रहता है। बहुत से लोग इसको खाते नहीं है, सोच के इसका बास कैसा है इसका ये, लेकिन ये बहुत अच्छी सब्जी है, बनाने के बाद बहुत मस्त बनती है। चलो तो फिर बनाते हैं अपना सेफू भाजी। ये बड़ी शेप की भाजी है, बड़ी शेप जो खाते हैं खाने के बाद उसकी भाजी है। तो मैंने तेल डाला है 1 चम्मच। इसमें डालेंगे ये राई, ये भी हो गया क्रैक। डालेंगे अपना प्याज, जब तक प्याज नरम होता है हम ये भाजी काट देंगे। ये देखो ऐसे मैंने साफ किया है, तो आप भी ऐसे साफ़ करके अच्छी तरह से धो और फिर इसको बारीक बारीक काटो जैसे मैं काट रही हूँ, और फिर हम उसकी भाजी बनाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखो इसकी भाजी, सेप बड़ी शेप की भाजी है ये। इसमें अभी बड़ी शेप आने वाली थी, इसके पहले इसको निकाल दिया है। तो ये बड़ी सेब की भाजी है, ये देखो अपना कांदा हो गया है नरम, गुलाबी हो गया है। तो अब हम डालेंगे ये मिर्ची और अपना गार्लिक, इसको थोड़ा फ्राई करेंगे, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये भाजी जो है वो बहुत जल्दी पक जाती है, इसको टाइम नहीं लगता है, फटाफट पक जाती है, और रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल बटन भी दबा दीजिए, वो फ्री है आपके लिए। तो चलो तो फिर डालते हैं अपना भाजी। ये देखो ऐसे बारीक बारीक काटा है मैंने, आप भी ऐसे ही काट के डालो। और ये भाजी जो है ना, इसका पानी भी नहीं, कुछ छूटता नहीं है, जैसे कि पालक का छूटता है ना पानी, कुछ पानी नहीं छूटता है, वैसे कि वैसे बनती है ये। कम ज़रूर बनती है, थोड़ा हो जाता है पकने के बाद, वो तो हर पत्ते की भाजी कम हो जाती है। तो ये देखो मैंने पूरा घुमा दिया इसको, अब डालते हैं थोड़ा नमक, स्वाद अनुसार नमक डालो, ज़्यादा मत डालो, अगर लगेगा तो बाद में डाल सकते हैं अपन। अभी इसको थोड़ी देर पकने के लिए रखेंगे, जैसे कि 2-3 मिनट, ज़्यादा नहीं पकने का उसको। आओ देखते हैं अपना भाजी। ये देखो भाजी इज़ रेडी।
तो अब डालेंगे सेंगदाने का चूरा पाउडर, एक 3-4 चम्मच है। आपको चाहिए तो कम डालो, आपको नहीं चाहिए तो भी मत डालो, बिना इसके खा सकते हो। बहुत मस्त लगती है ये भाजी, इसको चपाती के साथ, भाकरी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो गैस करो बंद, अपना भाजी रेडी है खाने के लिए। ये देखो कैसे लगा आपको, अच्छी बनी है ना भाजी, एकदम एपेटाइजिंग है ये तो। ये देखो अपना भाजी तैयार है खाने के लिए, बहुत मस्त बनी है। लाइफ में कभी वैरायटी खाना चाहिए, सेम सेम भाजी नहीं खाने का, सब भाजी टेस्ट करने का लाइफ में। तो कैसी लगी आपको मेरी भाजी, सेफू की भाजी? बहुत मस्त बनी है, और सिंगदाने का ये डाल के पाउडर तो और भी अच्छी लगती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड गिविंग योर व्यूज़ टू मी, लाइक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।